हेलो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सोना वर्मा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक्सेल के अंदर हम सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, यदि हम किसी को लिस्ट सेंड करते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ अदर से अगर कुछ चीज़ डाल रहा है तो उस लिस्ट के अंदर वो नोटिफिकेशन दिखा दे या कोई चीज़ गलत डल रही है तो वो वहाँ पर शो हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल ओपन करेंगे और डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं आप सब लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ उसके लिए मैंने आपके लिए पहले ही लिस्ट बना रखी है। तो जैसे मैंने ये शो करा रही हूँ आपको, देखिए मैं आपको डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या क्या बताऊँगी। होल नंबर्स, टेक्स लेंथ पर, डेट पर, ड्रॉप डाउन लिस्ट पर, इनपुट मैसेज या एरर मैसेज, स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होल नंबर्स पर डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, तो पहले होल नंबर पर लगाएंगे। यहाँ से जाएंगे डेटा के अंदर, कोई भी मैटर है उसके अंदर हमें अगर बताना है कि इसके अंदर सिर्फ इतने से इतने तक की वैल्यूज़ डालें या इक्वल या कोई भी चीज़, तो डेटा वैलिडेशन के अंदर होल नंबर्स लेंगे। ये रहा सेटिंग्स, इनपुट, एरर, ये तीनों मैं आपको बताऊंगी। तो होल नंबर्स पर हमने ले लिया है, बिटवीन है इसके अंदर, नॉट बिटवीन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, मैंने बिटवीन का ले लिया है। मिनिमम 10 to 100 ले लिया है, 10 to 100 यहाँ पर हमने लिया है। यदि हम यहाँ पर 9 भी करेंगे तो यहाँ पर नहीं लेगा, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। ये 10 से लेके 100 तक की ही वैल्यू लेगा। और इसके अंदर हम यह लगाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ में क्या होता है कि यदि हमने ओनली ये बताना है उसे कि इसके अंदर डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट लेंथ, यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही होंगी, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सॉरी मिनिमम, जैसे हमें 3 से लेके 5 करेक्टर तक ओनली डालने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये और अदर्स ना ले, जैसे मैंने यहाँ 6 के डाल दिए, यहाँ पर डाल दिया मैंने मोहन, तो मोहन 5 का है। अगर मैंने यहाँ डाल दिया ऋषभ तो ये नहीं लेगा, ओके। ओनली ये 3 से लेके 5 तक की वैल्यू लेगा, ठीक। ये ओनली 5 तक की ही करेक्टर लेगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट, जैसे कि कोई लिस्ट बनानी है हमें और हमें बताना है कि इस लिस्ट के अंदर इन 3 चीज़ों के या 4 चीज़ों के अलावा अदर से कुछ ना डालें, तो डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जाकर लिस्ट निकालेंगे और लिस्ट के अंदर हम डाल सकते हैं, अपने आप से भी डाल सकते हैं कॉमास लगा के, जैसे मैंने मुंबई कॉमा दिल्ली कॉमा और राजस्थान डाल दिया, ओके। तो यहाँ पर लिस्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। यदि मैटर बहुत बड़ा है तो आप यहाँ पर टाइप नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कीजिएगा, उसके अंदर अगर कोई लिस्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, कोई लिस्ट है उसके अंदर से मुझे वहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। गलत हो गई है स्पेलिंग, आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हम लिस्ट जहाँ पर बनाएंगे वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर लिस्ट पर जाएंगे
एंड देन हम यहाँ पर हम लिस्ट को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे जो भी लिस्ट के अंदर से हम लेने वाले, और ओके कर देंगे। बट इसमें एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने यहाँ से ले तो लिया है, यदि आपने यहाँ से राजस्थान, सॉरी ये ले लिया, अगर आपने यहाँ से राजस्थान यहाँ से बाय द वे वहाँ से डिलीट हो जाए तो आपका क्या होगा, लिस्ट के अंदर से भी वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर डिसएडवांटेज यही है। तो या तो आप वहाँ पर कोमा करके लगाएं, या फिर अगर आप ऐसे करके सिलेक्शन करके वहाँ पर डाल रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पर लॉक वगैरह लगा देना सीट के अंदर, ओके, तो वो नहीं जाएगा फिर वहाँ से। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जैसे कि होल नंबर्स पर अगर आप यहाँ पर डाल रहे हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन कोई मैसेज आ जाए कि आप यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इस पर पुट करें ओनली, तो यहाँ पर एरर मैसेज आ जाए कुछ भी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर पहले डेटा वैलिडेशन लगा होना चाहिए, एंड देन एरर में जाएंगे स्टॉप, और यहाँ पर नोट वैलिड, मैं यहाँ पर टाइटल डालना है नोट वैलिड, और टाइटल के अंदर यहाँ डालेंगे प्लीज़ या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर यहाँ डाल देंगे प्लीज़ एंटर बिटवीन, एंटर नंबर्स बिटवीन 10 to 100 ओनली, बस, तो आप ओके कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे 100 से ऊपर तो यहाँ पर आ गया है नोट वैलिड, ये टाइटल आ गया है प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 10 to 100, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये डालने की बजाय आप डाल सकते हैं यहाँ पर कि आपको मैसेज दिखे, ठीक है, जैसे मैसेज दिखे मुझे, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन आपको यहाँ पर मैसेज दिखे, जैसे टाइटल में मुझे मैसेज दिखे, वहाँ भी डाल सकते थे आप 100 वाले में, और मुझे यहाँ पर भी डाल सकते हो, तो टाइटल में जैसे डाल दूँगी इन्फॉर्मेशन ओनली, यहाँ पर डालूँ प्लीज टाइप ओनली 3 to 5 करेक्टर, तो यहाँ पर मैसेज शो होगा। देखिए यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है कि आपको इजीली हो कि जब आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर ऑन लिस्ट के अंदर आराम से दिख जाए कि आपको सिर्फ 3 to 5 करेक्टर डालने, और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन डालने कि एंटर करने के बाद दिखे तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ से भी डाल सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेशन में भी मैसेज डाल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ये ना करके आप यहाँ पर अगर वार्निंग वगैरह देना चाहते हो या कुछ भी, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर ही एरर अलर्ट में स्टॉप की जगह देखिए यह वार्निंग के अंदर भी आ जाएगा, ऐसा वो आएगा सिंबल, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर ऐसा आएगा। इसमें सिर्फ दो चीज़ों में ये क्या है कि एक बार आपको वार्निंग देगा कि आप यहाँ पर सही करके डालें, पर डाल देगा वो वहाँ पर क्यों पर, लेकिन आपको नोटिफिकेशन तो दे चुका ना वो इस तरीके से, और स्टॉप के अंदर वो लेगा ही नहीं, ठीक है, वार्निंग या इन्फॉर्मेशन में वो ले लेगा एक बार को। एक चीज़ और है, जैसे कि किसी चीज़ पर आपने यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लगा ली है, या मैं लगा देती हूँ होल नंबर्स पर, जैसे कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पे, यहाँ मैंने पहले ही डाल रखा है 746 और 569, और यहाँ पर मैं अब डालूँगी 10 to 100 के बीच की वैल्यू, ठीक। डेटा वैलिडेशन के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, रूल नंबर पे, जैसे यहाँ डाला मैंने 10 to 100, लेकिन वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पर लिस्ट के अंदर डाली हुई है 10 to 100 से नीचे की भी और ऊपर की भी वैल्यूज़, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 45, अब यहाँ से डाल दूँ तो नहीं ले रहा है ये, लेकिन वो ऑलरेडी पहली तो ले रखी है ना, तो अगर मैंने पहले ही वो पर वहाँ पर डेटा डाल रखा है तो, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर शो हो जाए मुझे कि अदर से कितना डेटा है, तो डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे सर्कल इनवैलिड डेटा के अंदर, यहाँ सर्कल दिखा देगा, ये देखिए
होल नंबर्स पे आ गया 746, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था तो यहीं से दिखा रहा है होल नंबर्स से 746, 546 और 9, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें 10 to 100 के बीच की नहीं है। और ये दिल्ली इनवैलिड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लिस्ट यहाँ से डिलीट हो चुकी है, और टेक्स्ट लेंथ और होल नंबर्स भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा उस पर लगा रखा था डेटा वैलिडेशन। अब 746 को जैसे मैं 456 कर दूंगी तो यहाँ से अपने आप ही यहाँ पे सर्कल हट जाएगा, और यहाँ से मैं चाहती हूँ कि सर्कल ना हटे, बस मुझे शो हो गई है और मैंने देख लिया, चेक कर लिया कि भी ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर जाकर क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर देंगे। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप सबों को ये लिस्ट अच्छी लगी होगी।